हेलो फ्रेंड्स, टोकनोज ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। इट्स मी हर्षना यादव एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्राइसिस इंटरवेंशन। देखिए, क्राइसिस जो है एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्राइसिस के जो टाइप्स हैं वो हमें दे दिए जाते हैं और हमें एक्चुअली में डिफाइन करना होता है कि ये क्राइसिस का कौन सा टाइप है, या फिर आप लोगों को एग्जाम्पल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये जो एग्जाम्पल हैं वो क्राइसिस के कौन से टाइप के अंदर आते हैं। तो देखिए, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है बट क्राइसिस के ऊपर दो से तीन क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन देखिए आप, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम वेयर ए पर्सन इज अनेबल टू कोप अप विद अ पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल टेरिबल इवेंट। यानी कि हमारे माइंड की, हम कह सकते हैं, या हमारे बॉडी की एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर कुछ गड़बड़ हो चुका है, कुछ इम्बैलेंस हो चुका है, जिसके कारण हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप यूँ समझिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ है, ऐसी कोई बुरी घटना जिससे आप गुजरे हैं और वो आपको इतना स्ट्रेस दे रही है कि आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसे ही हम क्राइसिस कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, प्रोननेस टू क्राइसिस। देखिए, प्रोननेस का क्या मतलब होता है? प्रोन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए, मतलब आपकी कितनी संभावनाएं हैं कि आप किसी चीज़ से कितना अफेक्ट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रोननेस टू क्राइसिस है क्या एक्चुअली में। तो देखिए, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट और डिससेटिस्फेक्शन विद जॉब। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई बेरोजगार आदमी है, जैसे हम खुद के ऊपर ही एग्जाम्पल ले लें कि जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो हमारे माइंड में आता है कि हमको जॉब करना है, हमको हमारे पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे खुद के पास पहले हम स्टेबल हों, हमारे पास मनी हो, हमारे पास पावर हो, हमारे पास पोजीशन हो। तो जब तक हम बेरोजगार हैं, हमको स्ट्रेस रहेगा कि हम घर वालों के ऊपर बोझ बन रहे हैं, उल्टा हमारी उम्र है कि हम उनको कमा के डालें, ना कि वो हमें डालें। तो देखिए, ये भी एक फैक्टर है जो क्राइसिस की प्रोननेस को बढ़ाता है। दूसरा आप देखिए, डिससेटिस्फेक्शन विद जॉब। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं या फिर खुद का नया स्टार्टअप चालू करते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि शुरू शुरू में जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी ही। अब वो दिक्कत फिजिकली, मेंटली कैसे भी हो सकती है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या डिससेटिस्फेक्शन विद जॉब, यानी आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्राइसिस के अंदर फंस चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए, पुअर सेल्फ एस्टीम। देखिए, पुअर सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि जो हमारा आत्मबल है उसका कम हो जाना। यानी कि जो लोग हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिनकी डिपेंडेंसी रेट ज़्यादा होती है, वो खुद को थोड़ा सा हीन भावना वाला फील करते हैं कि हम लोग हमेशा हमारी हर चीज़ के लिए हर किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनको अपनी हर चीज़ किसी न किसी से पूछनी होती है कि आज मैं ये पहन लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ। यानी ऐसे लोग कभी खुद अपना जो डिसीजन है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग वो नहीं ले सकते हैं। तो वो लोग भी क्राइसिस को फेस ज़्यादा करते हैं नॉर्मल लोगों की तुलना में। नेक्स्ट आप देखिए, हिस्ट्री ऑफ अनरिजॉल्व क्राइसिस और सब्सटेंस अब्यूज। यानी कि वो क्लाइंट जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कुछ हो चुका है पहले, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जो एडिक्टेड हैं, इन लोगों को भी क्राइसिस बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है, स्पेशली जिनकी हिस्ट्री रह चुकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, शराब या फिर ये जो भी पदार्थ होते हैं जो हमें एडिक्शन देते हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिसने भी अपने पास्ट में काफ़ी साल तक अगर इनको लिया है तो उस आदमी के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हमने जैसे तैसे करके उसको थेरेपीज दी, मेडिकेशन दी, अगर हमने उसके आदत छुड़वा भी दी, तो उसकी इच्छा होगी, उसको क्रेविंग होगी अंदर से कि कैसे भी करके अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए ना, तो मैं अभी कि अभी इसका सेवन कर लूँ। मतलब उसको अच्छा फील होता है ये वाले जो हम कहते हैं ना, जो इन सोशल वर्क्स हैं, यानी जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है, ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्री रह चुकी है वो क्राइसिस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, सुपरफिशियल रिलेशनशिप। देखिए, सुपरफिशियल रिलेशनशिप का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपने नया कॉलेज, नया स्कूल आपने एडमिशन लिया है, तो जाहिर सी बात है आप शुरू में डरेंगे, आपको डर लगेगा, यार पता नहीं मैं किसको फ्रेंड बनाऊँ, किसको नहीं बनाऊँ, पता नहीं यहाँ पे कौन कैसा है, मुझे कोई समझेगा, या फिर जो मैं बोलना चाहता हूँ वो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। तो आप एक मेंटल इम्बैलेंस वाली स्टेट में रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कोई मुझे चाहिए जो मुझे समझे, कोई मेरे जैसा ही मेरा कोई फ्रेंड हो। तो जब आप, अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं,
तो आपके जो रिलेशन है ना वो बस इतने ही हैं कि आपने नोटबुक मांगी, सामने वाले ने नोटबुक दी, आपने अपना काम खत्म किया और उसे नोटबुक वापस दी। यानी आपके रिलेशन सुपरफिशियल हैं। ये स्कूल की बात है। कुछ ऐसे लोग हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई इशू हो गया, आपके आपके पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के या ग्रैंड पेरेंट्स किसी के बीच में, तो आपके रिलेशन है ना सुपरफिशियल हो जाते हैं। यानी आप अपने मन की बातों को नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए लाइफ में आपके एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड, कोई भी, जिनसे आप अपनी बात खुल के कह सके, मतलब जिनसे बात करने के बाद आपको लगे कि आपका बोझ हल्का हो गया है। तो जो जिनकी सुपरफिशियल रिलेशनशिप होती है, जैसे हम काम चलाओ बोलते हैं कि बस काम निकला और चलते बनो, नॉर्मली हम देखते हैं ना हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स के साथ, कि आप खुद देखिए कि कितने आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं और कितने आपके सुपरफिशियल, कि बस आप कभी साल में एक आधी बार ही उनको हाय हेलो करते हैं क्योंकि आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो ऐसे लोग हैं ना जिनका सुपरफिशियल रिलेशनशिप होता है, ये लोग किसी से नहीं बोल पाते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, तो उनको हमेशा अकेला फील होता है। तो ऐसे लोग भी क्राइसिस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए अलूफनेस। देखिए वही बात है, अलूफनेस यानी जो इंसान हमेशा अकेला रहता है, जो सोशल डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है, यानी ज़्यादा किसी से बोलना नहीं, बस अपने काम से काम रखना। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ऐसा नेचर है कि आप बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, तो आप सोचिए कौन आपका फ्रेंड बनेगा, कौन आपके रिश्तेदारों के अंदर आपसे बोलना पसंद करेगा, क्योंकि आप खुद ही इतने इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी क्राइसिस फेस करना होता है। नेक्स्ट आप देखिए अनेबल टू हैंडल डेली लाइफ सिचुएशंस। देखिए ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ में डेली आप देखिए कितनी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जिन्हें हम फेस नहीं कर पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जैसे हम फेस करना ही नहीं चाहते हैं। तो जब आप अपने डेली लाइफ को ही मेंटेन नहीं करेंगे, तो अपनी लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आप सोचिए कितने लोग आपको ताने मारते हैं कि यार ये नालायक है, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं पढ़ता, बस ये अपने मम्मी पापा के रुपए वेस्ट कर रहे हैं, और उसके पापा बेवकूफ़ हैं। उनको समझना चाहिए कि जब ऐसा नालायक बेटा है, बेटी है, जो भी है, इनके ऊपर क्यों रुपए वेस्ट करना, टाइम से इनकी शादी कर दो और बस। अगर ये कुछ करना चाहते हैं प्राइवेट, तो वहाँ इनको डाल दो। तो देखिए ऐसे हमारी लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हम डील नहीं कर पाते हैं। तो जो ऐसे लोग जो हमेशा डिपेंड रहते हैं, जो अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, ये लोग हमेशा क्राइसिस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं, आप खुद भी अपने मन से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी और सिंपल हैं ये। तो नेक्स्ट आप देखिए, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्राइसिस। देखिए विद इमेज आप देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए, वो छोटा सा टॉपिक है, आप एक दो बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइप्स के साथ एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि किस टाइप के अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो देखिए सबसे पहला है मैचुरेशनल क्राइसिस। डेफिनेशन देखिए आप, स्टेट वेयर ए पर्सन इज अनेबल टू एडजस्ट एंड अडोप्ट टू न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइफ पैटर्न्स। देखिए ये हम सभी लोगों के साथ होता है। मैचुरेशन का क्या मतलब है कि हम हमारी एज के साथ कितना डेवलप हो रहे हैं, कितना हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसे हम मैच्योर बोलते हैं। और वहीं पे मैचुरेशनल क्राइसिस यानी जब आपका डेवलपमेंट होता है, आपकी ग्रोथ होती है फिजिकली मेंटली, तो आपकी लाइफ में क्या क्या इशू आते हैं, यानी एक ऐसे स्टेट जहाँ पे आप अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ के अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं आप उनको नहीं अपना पा रहे हैं, आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हम उसे मैचुरेशनल क्राइसिस कहते हैं। तो पहला आप देखिए रिटायरमेंट। देखिए यहाँ पे आपको एक ओल्ड एज पर्सन दिख रहे हैं जहाँ पीछे उनकी बेटी है, वो उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जो आदमी रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद वो एकदम मतलब उसको यूँ लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, इतने दिन तो मैं काम कर रहा था, मैं अपने देश के लिए या अपनी फैमिली के लिए मैं कुछ कर रहा था, मैं अर्निंग कर रहा था मैं, बट अभी उसको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं पूरे दिन करूँ क्या घर पे बैठे बैठे। यानी हम कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट आप देखिए पेरेंटहुड। देखिए पेरेंटहुड हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिनकी कम एज में शादी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई वर्किंग पेरेंट्स हैं, या फिर कोई सिंगल पेरेंट हैं, या फिर कोई लड़की है जो जॉब लगी है, पेरेंट्स ने उसकी जल्दी से शादी कर दी, उसके बेबी हो गया, तो कहीं ना कहीं वो उस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रही। उसको लगता है कि यार एकदम से क्या हो गया, यानी मैंने अभी तो अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं करी है, हमने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, हम जॉब लगे, तो क्यों नहीं हमने थोड़ी और मस्ती की, या फिर हमारी और पढ़ने की इच्छा है, आगे हम पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD MPhil मतलब जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी एज के साथ होती हैं और हम इनसे डील नहीं कर पाते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आप देखिए अगला एग्जाम्पल है मैरिज। देखिए ये भी उसी तरह है कि हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव होते हैं जिनमें से एक मैरिज भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिज सफल नहीं होती है। क्यों?
सफल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि दो लोगों के विचार अलग अलग हैं, उनमें मतभेद होते हैं, उनके विचार किसी ना किसी पॉइंट पे आके ऑपोजिट हो जाते हैं, फिर उनके बीच लड़ाई होती है, तो वो भी एक क्राइसिस बन जाता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि डाइवोर्स तक की कंडीशन आ जाती है, या फिर लोग एक दूसरे को मार देते हैं जान से, तो ये भी एक क्राइसिस ही है। नेक्स्ट आप देखिए एडोलेसेंट्स। देखिए एडोलेसेंट्स बहुत कॉमन है, हम लोग भी इस स्टेज से अभी कुछ साल पहले ही गुजरे हैं, तो हम इस एग्जाम्पल को ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए कि जब आप एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कितने फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मतलब एक असमंजस की कंडीशन हो जाती है कि हम किससे डिस्कस करें, हम किससे पूछें। और ऊपर से आपके पढ़ाई का प्रेशर, आपका पीयर का प्रेशर कि यार 7 सालों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, और ये हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जो एडोलेसेंट का जो पीरियड होता है ना, उसमें ये आप समझ लीजिए कि बच्चे के अंदर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी चाइल्डहुड से लेके आपको एकदम से बहुत समझदार बन जाते हैं आप 6 साल 7 के अंदर। यानी आप समझिए कि 12 साल से लेकर 18 साल तक का जो एज होता है, जो हमारा स्कूल टाइम होता है, उसे हम एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। तो देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम आती है, आप खुद के ऊपर लेके देखिए, तब आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद होगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या क्राइसिस आए थे जब आप 6 से लेके आप 11-12 तक थे। आपके अंदर खुद के अंदर आपके बिहेवियर में क्या चेंज, आप कितना गुस्सा करते थे। क्योंकि जो ये वाले एज ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, इनको हमेशा आज़ादी चाहिए, और कोई इनको कुछ कह देता है तो इनको बुरा लगता है, यानी ये लोग सुन नहीं सकते, और बहुत जल्दी इनका टेंपर हाई हो जाता है। तो ये भी क्राइसिस का एक एग्जाम्पल है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट आप देखिए हम सिचुएशनल क्राइसिस की बात करेंगे। देखिए सिचुएशनल वर्ड से आप क्या समझते हैं, एक सिचुएशन यानी एक पर्टिकुलर, आपकी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर इवेंट आया है कुछ टाइम के लिए और आपको उससे बाहर निकलना है, और जब हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो हमारे लिए क्राइसिस की कंडीशन डेवलप करता है। तो डेफिनेशन देखिए आप, इट इज़ प्रिसिपिटेटेड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स दैट थ्रेटन्स वन सेंस ऑफ बायोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स। यानी कि आपके लाइफ में ऐसे स्ट्रेसफुल, ऐसे बुरे इवेंट्स का आना जिसके कारण आप बायोलॉजिकली, सोशली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, यानी जो हमारे ह्यूमन बॉडी के 3-4 पैरामीटर्स होते हैं ना, मेंटली, सोशली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इन सब के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है। यानी देखिए फिजियोलॉजिकली आप कैसे समझेंगे, आप इमेजिन कीजिए कि कुछ बुरा आपके साथ हुआ है तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे। और मेंटली वही है ना कि कोई आपको बोलेगा उससे पहले ही आप सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं डेली लाइफ के, इनमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। तो आप एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है प्री मैच्योर बर्थ। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, उसके एक नर्स ने हाथ लगा रखा है। अब देखिए बच्चे का जो पैर है वो कितना ज़्यादा छोटा है कि नर्स की जो उंगली है ना उस पर टच हो रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा साइज है बच्चे का। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल ये है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सुंदर हो, हेल्दी हो, उसको कुछ ना हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि नॉर्मली हम मतलब हम लोग सोचते हैं हमारे आसपास, हम यही सोचते हैं ना कि हमारी फैमिली में भी अगर हो तो अच्छा बच्चा हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सोचिए कोई मदर है जिसके प्रीमैच्योर बेबी हुआ है, वो अपने बच्चे को देखेगी कि मेरा बच्चा इतना कमजोर, तो वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। दूसरा आप देखिए कि जो प्रीमैच्योर बेबी है ना, उनको हम फोटोथेरेपी या फिर जो रेडिएंट वार्मर है कुछ दिनों तक हम वहाँ रखते हैं उनको, ताकि उनको हीट मिले और उनका बॉडी डेवलप हो। तो उस टाइम अगर मदर अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में देख रही है तो सोचिए माँ को कितना दुख होता है। आप सोचिए अगर आपकी थोड़ी सी भी लग जाती है ना तो आपकी मम्मी कितना टेंशन करती है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया है, मेरे बच्चे के तो बहुत पेन हो रहा है। यानी डॉक्टर कितना भी समझा ले बट आपकी मम्मी रोएगी ही आपके लिए, क्योंकि शी इज़ मदर, उसको भी पेन होता है। आपसे ज़्यादा पेन आपकी माँ को होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है। तो आप सोचिए एक बच्चा जो अभी अभी हुआ है, उसके पेरेंट्स ने भी प्लान किया था कि हम हमारे बच्चे के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि यार हमारा बच्चा इतना वीक है, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ऊपर से आप देखिए जो वीक बेबी है ना, उसके बहुत सारे मतलब आईवी लाइंस चलेंगी, पल्स ऑक्सीमीटरी। तो नॉर्मली हम लोग तो इस फील्ड में हम समझते हैं, बट जो अदर लोग हैं वो एकदम से देखते हैं ना तो कहेंगे देख बेचारा बच्चा यार, उसके मतलब कितने सारे पता नहीं उसके क्या कौन सी पाइप लगा रखे हैं, उसके मुंह में अलग है, नाक में अलग है, हाथ पैरों के अलग है। क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को पेन में नहीं देख सकता। तो ये उनके लिए भी प्रीमैच्योर जो बर्थ है वो एक सिचुएशन है, कुछ महीनों के बाद सिचुएशन ठीक हो जाती है। तो इसलिए हम इस एग्जाम्पल को हमने सिचुएशनल क्राइसिस के अंदर रखा है। नेक्स्ट आप देखिए डेथ ऑफ लव्ड वन। देखिए ये तो बहुत कॉमन है, आपने अपनी फैमिली में कभी देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा
कि अगर आपकी फैमिली में आपके आसपास ऐसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपकी केयर करता है, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या जो मैरिड हैं उनके पार्टनर्स हो सकते हैं, ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है। तो देखिए, डेथ किसी के लिए भी नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे हमारे साथ बुरा होगा या सामने वाले की डेथ होगी। तो ये जो कंडीशन है डेथ वाली, इसमें कम से कम आदमी को 3, 4 या 6 महीने लग जाते हैं निकलने में। तो ये भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है लाइफ की जिससे हमें निकलना होता है। देखिए, कहना आसान है, बट जिसके साथ ये चीज़ होती है ना, उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेशक हम लोग नर्स हैं, हम नर्सिंग की स्टडी करते हैं, हम लोगों ने साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल हमने स्टडी की है, बट जब खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट से थ्योरीज कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं। कि हम पढ़ते हैं ना कि जो एंगर डिनाइल ये वाली स्टेज होती है कि इतने इतने दिन में कवर हो जाती है, बट देखिए सबका अलग अलग लेवल है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ से निकलने के लिए, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे सुना कि आपके किसी बहुत खास इंसान की डेथ हो गई तो सुनते ही शोक हो जाता है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, सदमा लग जाता है। तो ये बहुत अजीब सिचुएशन है कि आपको एक बुरी चीज़ से निकल के लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो देखिए, ये इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आप देखिए, आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जो रूम में बैठी है, और वहाँ पे लिखा है चेंजेस इन लोकेशन। तो देखिए, आप खुद के ऊपर लीजिए कि जब आप बाहर पढ़ने के लिए आप आते हैं 12th के बाद, या फिर कुछ लोग स्कूल टाइम से ही बाहर रहते हैं, तो शुरू शुरू में जब हम किसी भी नई जगह जाते हैं ना, हमें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपको खाना नहीं बनाना आता, तो वो भी आपके लिए दिक्कत है। आप जा रहे हैं, आप घर से आए, आपका मन नहीं लग रहा, आपको मम्मी पापा की भाई बहनों की याद आ रही है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको लगता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों, क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यानी हर बार आप नेगेटिव नेगेटिव ही सोचेंगे। तो देखिए, आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों ने कितनी बार अपने रूम चेंज किया होगा ना, जब आप कॉलेज में होंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे, आप सोचिए आपने कितनी बार अपनी लोकेशन चेंज किया है। तो कुछ दिन तक आपको ना नई जगह सूट नहीं करती है, वो सामान वहाँ रखा था वो वहाँ रखना था, यानी आप मेंटली इतना प्रेशर में रहते हैं कि आपकी स्टडी अफेक्ट होती है। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जब हम लोग स्टडी करते थे तो हम लोगों ने भी बहुत बार रूम चेंज किया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मकान मालिक पहले कहते हैं कि आप 500 रुपये एडवांस दे के जाओ, अगले दिन कहते हैं हमने तो रूम किसी और को दे दिया। तो आप सोचिए, आप अपनी पढ़ाई, अपना कॉलेज टाइम आप वेस्ट कर रहे थे, आप रूम ढूंढ रहे थे, और उसके बाद किसी ने आपसे रुपए लेके आपके रुपए भी रख लिए। कुछ लोग बहुत बेकार होते हैं एक्चुअली में, रुपए भी रख लेते हैं और बोलते हैं हम आधे देंगे और हमारा रूम है ना, आपसे किसी ने ज़्यादा रेंट दिया और वो बुक हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको मेंटली प्रेशर क्रिएट करती है माइंड के ऊपर, आप टेंशन लेते हैं फिर आपका, और कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे केस होते हैं कि बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं और मन नहीं लगता, 2-3 महीने बाद बोरे बिस्तर लेके वापस घर पे आ जाते हैं। तो देखिए, ये इसका एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आप देखिए, एक लड़का बैठा हुआ है और यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखिए लिखा है पुअर इन स्टडीज। देखिए, जो लोग स्टडी में वीक होते हैं ना, देखिए वैसे तो इंसान जो चाहे वो हर चीज़ कर सकता है, बट जरूरी वो है कि बच्चे को शुरू से उस हिसाब से डील करें कि बच्चा पढ़ाई कर ही सकता है, क्योंकि हमारे मेंटल लेवल को देख के हमारा सिलेबस तैयार किया जाता है कि हम इतना तो हम पढ़ सकते हैं। बट जो बच्चा हमेशा स्टडी में पुअर होगा, जिसके हर बार फेल होगा, हर बार कम मार्क्स आएंगे, इसका कारण ये हो सकता है उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी नहीं हो, कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप रेगुलर फेल होंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएंगी और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, आप कहीं पब्लिक में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये भी एक क्राइसिस का ही टाइप है। नेक्स्ट आप देखिए, एक हॉस्पिटल की इमेज दिखाई दे रही है जहाँ पे 2 मेंटल क्लाइंट आ रहे हैं। एक क्लाइंट है वो दीवार के फर्श के पास लेटा हुआ है और साइड में लिखा है मेंटल इलनेस। देखिए, ये थोड़ी पुरानी इमेज है, बाकी अभी के अगर हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल देखें तो उनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है पहले के टाइम से। क्योंकि पहले ये होता था कि जो पेशेंट सीवियर है, जो हाइपर रहता है, उसको जंजीर से, चेन से या रस्सों से बांध दिया जाता था। तो वो उनके अंदर इतनी हाइपरनेस आती थी ना कि वो बेड को भी साथ में उठा लेते थे और कहीं ना कहीं खुद ही इंजर्ड हो जाते थे। तो ऐसा केस अगर हम व्यू करते हैं किसी हॉस्पिटल में, अगर वार्ड में हमारी ड्यूटी लगती है, तो अगर हम भी पहली बार देखें तो हम भी डर जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ था, हम लोगों के प्रैक्टिकल चल रहे थे, हम 3rd ईयर में थे साइकेट्री का, हमारा फाइनल प्रैक्टिकल था, हमारी मैडम बाहर बैठी हुई थी और उन्होंने बोला कि तुमको ये नंबर बेड है, तुम अपने क्लाइंट के पास जाओ, उनका केस हिस्ट्री लेके। तो हमारा जो पेशेंट था वो सिजोफ्रेनिया का था, वो सोया हुआ था, तो हमने उसकी फैमिली से हिस्ट्री ली, फिर क्लाइंट उठ गया, हमने थोड़ा बहुत उससे पूछा। तो क्या था, जो हमारे सामने वाले जो बेड पे था ना, वो शायद मेनिया का क्लाइंट था आई थिंक।
बिकॉज हम लोग बैठे थे एकदम सब शांत था, और वो एकदम से उठ खड़ा और एकदम जोर से चिल्लाया, और पहले से उसके हाथ रिस्ट्रेंट किए हुए थे। तो जैसे ही जोर से चिल्लाया उस टाइम हम लोग भी डरते थे, क्योंकि क्या है ना कि सिचुएशन को हैंडल करना आता नहीं है, प्रॉपर वहाँ स्टाफ होता है उनको ही पता है कि हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे मेडिकेशन देनी है। तो वो पेशेंट पहले तो उठा और जोर से चिल्लाया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, इसके फैमिली मेम्बर्स हैं इसको संभाल लेंगे। बट जैसे जैसे हम हमारा केस स्टडी कर रहे थे तो वो एकदम से बेड से उठ गया, और उठने के बाद उसके आसपास जो भी दो तीन लोग थे ना उनको धक्का दिया और बेड पूरा अपने हाथों से उठा दिया, एकदम पतला सा पेशेंट। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक इतना मतलब वीक क्लाइंट है, कैसे उसके अंदर इतनी पावर आई, कैसे उसके अंदर इतनी हाइपरनेस आई कि उसने बेड को उठा दिया। तो देखिए अगर आप भी ऐसा कुछ देख लेंगे ना कभी, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, आपको अगले दो तीन दिन तक टेंशन होगी कि यार मैं ड्यूटी पे जाऊँ या ना जाऊँ, कहीं मुझे लग जाए, कहीं मुझे मार दे। तो उस टाइम ये हुआ कि हमारी टीचर बाहर बैठी थी, और जैसे क्लाइंट ने बैट उठाया और एक दो लोगों को धक्का मारा, क्योंकि वो पहले कुछ ऐसे बोल रहा था कि ये जो व्हाइट कोट वाले हैं ना ये मेरे को बहुत गंदे लगते हैं, क्योंकि जब भी आते हैं ना तो मेरे पेन करते हैं, मेरे को मेडिकेशन दे के जाते हैं। तो हम उसके सामने थे तो हमको लगा क्या पता इसका अगला निशाना ये हमें ही बना ले। तो हमने तो फाइल वाइज सब वहीं छोड़ी और वार्ड से बाहर हो गई। तो हमारी टीचर आएगी कि तुम प्रैक्टिकल का टाइम है और तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो। तो हमने बोला कि मैडम अंदर एक क्लाइंट ना हाइपर हो गया है, और वो इतना हाइपर हो गया कि उसने आसपास के लोगों को भी मार दिया, उसके खुद के फैमिली मेम्बर्स को उसने मार दिया है। तो हम लोगों से तो वैसे भी उसको प्रॉब्लम ही है ना कि व्हाइट कोट वाले ऐसे करते हैं। तो आप देखिए ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपको क्राइसिस फील होगा। नेक्स्ट आप देखिए सोशल क्राइसिस। देखिए सोशल क्राइसिस एक अनकॉमन कंडीशन है, यानी जैसे हम प्राकृतिक आपदा जिसके अंदर मोस्टली हम इंक्लूड करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए पहले आप, इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल अनकॉमन अनएंटिसिपेटेड कंडीशन विच रिजल्ट्स इन मल्टीपल लॉसेस एंड रेडिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी कि एक टाइप का एक्सीडेंट, एक बड़ी दुर्घटना जो अनकॉमन है यानी मोस्टली नहीं होती है, बाय चांस कभी कभी ही होती है, और अनएंटिसिपेटेड यानी जिसे हम कहते हैं कि हम अनुमान नहीं लगा सकते, यानी हम क्यों बुरा सोचेंगे कि ऐसा कुछ होगा, और वो किसके अंदर रिजल्ट करती है यानी उसके कारण होता क्या है। मल्टीपल लॉस का मतलब क्या है कि अगर ऐसी आपदा आती है प्राकृतिक तो कितने ही जानवर मरते हैं, कितने इंसान मरते हैं, कितना लॉस होता है, इकोनॉमी कितनी डिस्टर्ब होती है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो कितना डिस्टर्ब होता है, और आपका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर रेडिकल चेंज। देखिए रेडिकल का मतलब होता है कुछ भयंकर, कुछ बड़ा। तो ये सोशल क्राइसिस है। आप इसका एग्जांपल देखिए, मेनली इट इंक्लूड्स कैलेमिटीज, वार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन। देखिए जो सोशल क्राइसिस है मेनली इसके अंदर क्या नेचुरल चीज़ें ज़्यादा आती हैं। देखिए कैलेमिटीज़ का मतलब होता है कुछ बड़े लेवल पे एक बड़ी घटना होना। दूसरा आप देखिए वार्स, यानी जो भी हम द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम मतलब प्रथम विश्व युद्ध, ये जो भी पढ़ते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर कितने सैनिक मरे थे, कितने लोग मरे थे, खाने की कितनी प्रॉब्लम आई थी, रहने की हर चीज़ की प्रॉब्लम थी, तो ये कहीं ना कहीं सोशल क्राइसिस का ही पार्ट है। नेक्स्ट आप देखिए डिस्ट्रक्शन। देखिए डिस्ट्रक्शन क्या होता है, तबाही। तो तबाही किसी भी लेवल पे हो सकती है, तो ये आपको याद रखना है, सोशल क्राइसिस के एग्जांपल है। तो पहला आप देखिए फ्लड। देखिए फ्लड का आप इमेज देख सकते हैं कि कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, घर हैं, और चारों तरफ पानी ही पानी है। यानी अभी भी हमारे जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि हर साल कितने ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, यानी कितनी भी फैसिलिटी कर लो बट कहते हैं ना कि भगवान की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। आप कितनी भी टेक्निक्स डेवलप करो, आप कितने भी साइंटिफिक लेवल पर रिसर्च करो, कुछ भी करो, बट जो सुपर नेचुरल पावर है ना उसके आगे इंसान विवश है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए जो लोग बाढ़ में फंस जाते हैं, हम टीवी में उनकी इमेज देखते हैं कि कैसे वो अपने घरों की छत पे काफ़ी दिन तक बैठे रहते हैं, फिर सरकार मदद करती है, हेलीकॉप्टर से उनके लिए खाना पहुंचाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी फैमिली मेम्बर में सब लोग खत्म हो जाते हैं, वो अकेले बच जाते हैं, तो वो उनके लिए लाइफ टाइम का सदमा है कि देखो कैसे हम हंसी खुशी बैठे थे, अचानक से बाढ़ का पानी इतना हो गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स, उनकी डेथ हो गई। तो ये क्राइसिस है। नेक्स्ट आप इमेज देखिए अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक का भी वही है, भूकंप आएगा, बहुत सारे घर हैं जो टूट गए हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई भी है वो उन घरों के नीचे दब चुके हैं, हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि उनका इनसाइट इतना फियरफुल होता है ना, क्योंकि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा ही हो। तो देखिए कैसे उन लोगों के लग जाते हैं, उनके किसी का हाथ पैर टूट के अलग हो गया है, तो वो सिचुएशन देखने के बाद कोई भी नॉर्मल आदमी है उसको क्राइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए वियोलेंस, मास किलिंग स्वार। देखिए वियोलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा, सॉरी हिंसा, यानी जो गांधी जी थे ना जो नारा देते थे कि अहिंसा के
मार्ग पे चलो, तो वही उसका उल्टा हिंसा, यानी कि लड़ाई। और लड़ाई ऐसी नहीं, एक बड़े लेवल पे। मास किलिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, मास किलिंग का मतलब यही होता है, आप एक इमेज देखिए, एक छोटा बच्चा खड़ा है, बच्चे के पीछे बोन्स पड़ी हैं, स्कल है, हाथ हैं, पैर हैं, इनकी बोन्स पड़ी हुई है पीछे। तो देखिए, मास किलिंग्स वार्स, ये आपने देखा होगा कि जो हम हिस्ट्री में देखते हैं ना, जो हिटलर था, या फिर हम हमारा जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, वो आप देखिए कि कितने हजारों लोगों को एक साथ मारा गया था। तो आप देखिए, जब आप इतने हजार बॉडी एक साथ, आप डेड बॉडीज देखेंगे, तो आपके माइंड के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट होगा। और स्पेशली वो लोग जो खुद इंजर्ड हुए और अपनी आंखों के सामने अपने घर वालों को मरते हुए देखा, तो आप सोचिए उनके माइंड के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको क्राइसिस के लिए प्रोन करती हैं। नेक्स्ट आप देखिए, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। देखिए, जब भी कुछ बड़ा कोई केमिकल, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ फिजिक्स का या साइंटिफिक, जो भी रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पे बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, तो संभावनाएं होती हैं। जाहिर सी बात है, हर एक्सपेरिमेंट की संभावना होगी कि कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। तो आप मान लीजिए कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब हम छोटे क्लास में थे हमारे सिलेबस में भी लगता था कि कैसे गैस लीक हुई और उस गैस के कारण कितने मजदूर, कितने आसपास के लोग उस चीज़ से अफेक्ट हुए। यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर्स थी, उनके बच्चों के ऊपर इतना बुरा इफेक्ट पड़ा कि उनके बच्चे विकलांग पैदा हुए या मेंटली रिटार्डेड पैदा हुए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। दूसरा आप एक एग्जांपल और है, जो हमने हीरो हिरोशिमा नागासाकी का, देखिए ये नाम है हमारी हिस्ट्री के अंदर, यानी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर अभी शायद कुछ कंडीशन ठीक हैं, बट जब वहाँ पे ऊपर से, यानी युद्ध के टाइम में जो गोले डाले थे, तो उनका उतना बुरा इफेक्ट पड़ा था कि अगले कुछ सालों तक भी वहाँ पे जो भी, आप मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है पत्थर के पास, ऊपर से आके अटैक हुआ, तो आदमी की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो उस पत्थर के अंदर, यानी जिसे हम कहते हैं, हम पेंटिंग बनाते हैं पत्थर के ऊपर, तो वैसे वो शेप उसके अंदर बन चुकी है। और इतना बुरा इफेक्ट हुआ कि आगे आने वाले कितने सालों तक, कितने पीढ़ियों तक उन बच्चों के अंदर ये इफेक्ट देखने को मिला। तो ये बहुत बुरी कंडीशन है, हम तो इमेजिन कर सकते हैं, बट जिन लोगों के साथ हुआ है, आप सोचिए उनको कितनी मेंटली प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आप देखिए, कंटामिनेटेड लार्ज एरिया। देखिए यहाँ पे आप देखिए, एक पुल है और पुल के पास, पुल के नीचे जो है वहाँ पे ग्रीन कलर का पानी आ रहा है, यानी आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई बड़ा एरिया। तो देखिए, जो ऐसा एरिया होता है ना, वहाँ पे जो झुग्गी झोंपड़ी, जो वर्कर्स लोग हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो लोग इसी पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं, इसी से नहाते हैं, इसी से खाना बनाते हैं, और इसी के अंदर कपड़े धोते हैं, और इसी के अंदर ही नहाते हैं। तो आप देखिए, खुद वो लोग कितना कंटामिनेटेड कर रहे हैं, ऊपर से जो फैक्ट्री का जो भी केमिकल है वो उसके अंदर आ रहा है। तो एक लार्ज लेवल के ऊपर सोचिए, पानी कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, कितने शहरों में जाएगा, कितने गाँव में जाएगा, कितने लोग इससे अफेक्ट होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं क्राइसिस के, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब, हाँ, एक एग्जाम्पल आप और देखिए, फायर एक्सीडेंट्स। देखिए, पिछले साल आपने सुना होगा ना कि गुजरात के अंदर एक कोचिंग सेंटर था जहाँ पे आग लग गई थी। तो कितने छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग खिड़की से कूद गए, इतने मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स थी वहाँ से, कुछ लोग अंदर ही दम घुट के मर गए, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। तो देखिए, ये चीज़ें हैं, यानी या फिर जो भी सर्वाइवर्स हैं, जो बच चुके हैं उस चीज़ से, उनके मेंटल लेवल के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। यानी जो बच्चे हैं, उनकी स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी आगे आने वाली लाइफ कितने साल तक वो उस चीज़ से जूझेंगे। और जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने ये सोच के भेजा कि आज मेरा बच्चा पढ़ने गया है और वो डेली उसी तरह वापस आएगा, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, पापा सोचते हैं हम हमारे बच्चे को घुमाने ले जाएंगे, हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे, तो सोचिए उनके ऊपर कितना बुरा इफेक्ट हुआ है। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता है कि हमने बाहर पढ़ने भेजा है ना तो कुछ बुरा होगा, वो हमें यही सोच के भेजते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे जॉब लगेंगे और कोई अच्छा इंसान ही बन के आएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्राइसिस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्राइसिस। देखिए, ऐसे क्या साइन सिम्टम हैं जो हमें पता लगाना है कि क्राइसिस के अंदर आते हैं। पहला आप देखिए, एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी कॉमन है, घबराहट। घबराहट किसी को भी हो सकती है। जब हमको हमारा एग्जाम होता है या कोई हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, तो हम लोग ये घबराहट करते हैं। तो आप सोचिए जिनके साथ हुआ है, उनका उनके ऊपर कितना बुरा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखिए, बर्डन। देखिए, बर्डन का मतलब ये है कि आदमी को बोझ फील होता है, उसको लगता है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स को नुकसान हो चुका है, मैं अकेला बचा हूँ तो मैं बोझ बन गया हूँ। तो ये कंडीशन है, ये एक साइन सिम्टम है। नेक्स्ट आप देखिए, डिप्रेशन। देखिए, जाहिर सी बात है, आपके साथ कुछ बुरा होगा, आपको चारों तरफ नेगेटिविटी ही दिखेगी, तो वो आपके लिए एक डिप्रेशन का साइन सिम्टम बन जाता है। डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी अकेले रहता है, खाना नहीं खाता, आपकी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता है। नेक्स्ट आप देखिए, गिल्ट।
देखिए, गिल्ट इसलिए होता है कि हमको ये लगता है कि हम हमारे साथ वालों को हमने इस कंडीशन से गुजरते देखा, बट हम नहीं बचा पाए, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि आप नहीं बचा पाए, क्योंकि आपके बस में नहीं था। बट आपको तो फील होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने क्यों नहीं उसकी जान बचाई, मैंने क्यों नहीं उसकी हेल्प की। कहीं ना कहीं आप खुद को ही गिल्ट फील करेंगे, आपको खुद को अंदर से बुरा लगेगा। नेक्स्ट आप देखिए एंगर। देखिए एंगर तो कॉमन है, आप खुद देखिए, जब आपके एग्जाम में कभी कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपको गुस्सा आता है कि क्यों मेरे कम मार्क्स आए, क्यों मेरे फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आए। आपको अंदर से गुस्सा आएगा ना, और आपको टीचर के ऊपर भी गुस्सा आएगा कि यार इस इंसान ने मुझे कम नंबर दिए, क्योंकि ये ना मुझसे चिढ़ता है, ये मुझे हमेशा सोचता है कि ये तो वीक है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। तो जो क्राइसिस वाला क्लाइंट है उसको भी ऐसा एंगर फील होगा कि काश मैं उनको बचा लेता, वो खुद के ऊपर गुस्सा करेगा या खुद को इंजर्ड करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आप देखिए नेगलिजेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए जिस इंसान के साथ क्राइसिस वाली कंडीशन होती है वो जिम्मेवारी नहीं ले सकता, क्योंकि वो इतना टूट जाता है कि उसको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है एग्जैक्टली। नेक्स्ट आप देखिए अनेबल टू परफॉर्म ADL। देखिए यहाँ पे ADL का मतलब है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी कि जो आदमी क्राइसिस को फेस कर रहा है वो अपनी रोजमर्रा की जो भी गतिविधियाँ हैं, हमारा खाना नहाना, या फिर अगर हम जॉब करते हैं, या हम हमारे फैमिली के मुखिया हैं, हम हमारी फैमिली को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अनेबल हो जाएंगे, आप वो बेसिक चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो हमारी लाइफ में ज़रूरी होती है और हम डेली जीने करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ब्लेमिंग अदर्स। देखिए ये तो कॉमन है ना, ब्लेम तो हम लोग भी बहुत करते हैं, हम हमारे खुद के ऊपर भी करते हैं, या फिर मोस्टली वैसे हम दूसरों के ऊपर ही करते हैं। देखिए आप ब्लेमिंग अदर्स कैसे, देखिए जिसके साथ क्राइसिस हुआ है, कुछ घटना हुई है, वो हमेशा दूसरों को रिस्पॉन्सिबल करेगा कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, या फिर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है, तो आप नॉर्मली ये कहते हैं ना, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई, पता नहीं किसने इसको कुछ कह दिया, किसने ऐसा मतलब इस घटना को अंजाम दिया। तो ये साइन सिम्टम्स हैं, ये कॉमन हैं, आपने मैड सर्च के अंदर पढ़े होंगे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या प्रिंसिपल हैं जब हम क्राइसिस इंटरवेंशन करेंगे, हमें ध्यान में रखने हैं। देखिए ये बहुत सिंपल है, सिंगल लाइन है, बस आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए यूज स्पेसिफिक एंड कंसाइज स्टेटमेंट, यानी आपके पास क्राइसिस का क्लाइंट है, आपको उससे डील करना है, तो आप सिर्फ स्पेसिफिक बातें ही करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपके सामने क्लाइंट बैठा है, आपको उससे पूछना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो ये सिंगल लाइन है, ये नहीं हेलो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और बताओ ये क्या। देखिए फालतू बात नहीं करनी, आपका एक नर्स का काम है और आपको रिलेशनशिप वहीं तक ही मेंटेन रखना है, आपको बात को घुमाना नहीं है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी कन्फ्यूजन में है, टेंशन में है, और आप फालतू टाइम पास कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट आप देखिए अवॉइड एक्सेसिव डिटेल्स एंड ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। देखिए वही बात है, जो बात आपको पूछनी है आप डायरेक्ट वो बात पूछिए, आप बिना मतलब में पेशेंट को परेशान नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से आप क्वेश्चन की बारिश कर रहे हैं, अरे और बता और बता, अरे भाई उसको बोलने तो दो, उसको टाइम तो दो कि आप जो बोल रहे हैं वो ग्रेस कर पा रहा है या नहीं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए एनकरेज क्लाइंट फॉर फेशियल एंड वर्बल एक्सप्रेशंस। देखिए आपका जो क्लाइंट है वो आपसे बात नहीं करेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, तो आपको क्लाइंट को समझाना है, आपको इतना ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनाना है क्लाइंट के साथ, और जब भी वो बोले ना उसके एक्सप्रेशन को आपको देखना है कि इसके मन में कुछ है और ये फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और बना रहा है। जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, हम कभी कभी दुखी होते हैं बट किसी और को दिखाने के लिए हम एक फेक स्माइल रखते हैं ना, जिसे लिप स्माइल बोलते हैं, यानी आपका फेस स्माइल नहीं करता है। जैसे देखिए ये आपका नॉर्मल फेस है, अब आपको लिप स्माइल करनी है तो आप कैसे करेंगे, ये है लिप स्माइल। और जब आप रियल में हंसते हैं तब आप कैसे दिखते हैं, तब आप होते हैं खुश। तो ये कंडीशन है जो आपको क्राइसिस के क्लाइंट के अंदर देखने को मिलेगी, तो आपको उसके वर्बल नॉन वर्बल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है और क्लाइंट को एनकरेज भी करना है। नेक्स्ट आप देखिए यूज प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज लिसनिंग पैराफ्रेजिंग रिफ्लेक्शन। देखिए किसी भी क्लाइंट के साथ डील करते वक्त आपको कम्युनिकेशन टेक्निक्स का पता होना चाहिए कि आपको कैसा यूज करना है। यूँ नहीं कि पेशेंट के दुख में आप इतना दुखी हो गए हैं कि आप अपना काम छोड़ के पेशेंट से ज़्यादा आप रोने लग गए हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है ना कि वार्ड में किसी पेशेंट को कुछ हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो उसके घर वाले तो बाद में आते हैं, आप पहले ही रोने लग जाते हैं, वो बेचारा मर गया, ऐसे आप कितने लोगों के लिए रोएंगे। आपका काम रोना नहीं है, आपका काम है क्लाइंट को सपोर्ट करना, उसको एनहेंस करना कि वो अच्छा फील करे, ये नहीं कि आप खुद अपना ही रोना रोना आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स आप देखिए लिसनिंग, देखिए जब भी आपका क्लाइंट बोलेगा ना आपको सुनना है, क्लाइंट को यूँ नहीं लगना चाहिए कि यार ये आदमी सुन नहीं रहा मेरे को, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, तो आपको
जो प्रॉपर रियल डिटेल है वो आपको नहीं देगा कि उसके साथ हुआ क्या है। नेक्स्ट आप देखिए पैराफ्रेजिंग। देखिए पैराफ्रेजिंग का मतलब यही है कि क्लाइंट जब आपसे बात करेगा, आपको क्लाइंट का, मान लीजिए क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, उसने कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो सिर्फ इतना ही बोलेगा, ओके। आपको बोलना है कि आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, लड़ाई हुई किसी के साथ आपकी, यानी आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कुछ एक्सप्लोर किया है ना, तो क्लाइंट को लगेगा कि हाँ ये आदमी इंटरेस्टेड है मेरी प्रॉब्लम सुनने में, तो आगे से आपको अच्छा ही रेस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट आप देखिए रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन यानी एक शैडो समझिए आपकी, जो क्लाइंट ने बोला है वो आपको रिपीट करना है। जैसे क्लाइंट ने बोला, आपने पूछा खाना खा लिया, तो क्लाइंट ने बोला हाँ मैंने 9 बजे खाना खाया, तो आपको बोला अच्छा आपने 9 बजे खाना खाया, आपको वापस रिप्लाई करना है। यूँ नहीं कि क्लाइंट कह रहा है मैंने खाना खाया, फिर आप कह रहे हैं हाँ आगे तूने क्या किया, तो ऐसे आपको क्लाइंट को नहीं बोलना है। आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे ना, उसको ट्रस्टफुल वाली फीलिंग आएगी और आपको वो अच्छे से पूरी डिटेल देगा कि उसके साथ हुआ क्या है। नेक्स्ट आप देखिए अलाउ सफिशेंट टाइम टू क्लाइंट। देखिए वही बात है, सफिशेंट टाइम का मतलब है कि आपने क्वेश्चन पूछा, आप उसको 2 मिनट 5 मिनट जितना टाइम वो ले रहा है आप उसे दीजिए। आप फोर्स मत करिए कि भाई जल्दी बोल, मुझे और भी काम है, मुझे और भी क्लाइंट के साथ डील करना है। तो आप अपनी परेशानी क्लाइंट के ऊपर नहीं निकाल सकते हैं, वो आपकी जिम्मेवारी है, आपका काम है, क्लाइंट का नहीं। नेक्स्ट आप देखिए असिस्ट क्लाइंट टू फेस रियलिटी, यानी कि आपका फर्ज बनता है कि आप क्लाइंट को रियलिटी से फेस करवाएं। आपके साथ सॉरी आपके क्लाइंट के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो आप उसको धीरे धीरे कैसे आप थेरेपिस्ट देंगे, उसको कैसे आप असिस्ट करेंगे कि क्लाइंट धीरे धीरे रियलिटी को फेस करे। रियलिटी का मतलब ये है कि अगर उसके किसी खास इंसान की डेथ हो गई, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसकी फैमिली में फ्रेंड्स में कोई, उसकी डेथ हो गई है, वो भी टेंशन में है, तो ठीक है आप जो भी थेरेपी दे रहे हैं कुछ, बट आप झूठ नहीं बोलेंगे कि अरे वो मरा नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको पता है वो सही हो गया और वो आपसे मिलने भी आने वाला है। तो ऐसी झूठी बात आपको नहीं करनी है क्लाइंट के साथ, क्योंकि हो सकता है वो एक बार के लिए ठीक हो जाए, फिर उसे पता लगे कि इस इंसान ने मुझसे झूठ बोला, तो आपसे बदला लेगा, वो आपको मार सकता है, आपको हार्म कर सकता है। तो ऐसे आपको क्लाइंट को रियलिटी से फेस करवाना है धीरे धीरे, आपको उसे झूठ नहीं बोलना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए टेक्निक्स। देखिए टेक्निक्स कॉमन है, सिंगल लाइन है, इनके बारे में मैंने आपको जो साइकोथेरेपी हमने पढ़ी थी उसके अंदर भी कुछ कॉमन ही थी, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। कैथारसिस, प्रोविजन ऑफ रिलीजिंग ऑफ फीलिंग्स वट एवर कम्स इन पेशेंट्स माइंड, यानी वही बात है, आप क्लाइंट को बोलेंगे, आपके सामने क्लाइंट बैठा है, आप उसे कहिए हाँ बोलिए आपको क्या दिक्कत है, आपको कुछ हिंट नहीं देना है पर्टिकुलर, क्लाइंट खुद आगे से आपको सब कुछ बताएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्लैरिफिकेशन। देखिए क्लैरिफिकेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं, कोई चीज़ को क्लियर करना, क्लैरिफाई करना, ताकि जो रियल चीज़ें हैं ना सिर्फ वही हमारे सामने आए, फेक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ना आए, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन ना ही तो क्लाइंट के लिए सही है और ना ही हमारे लिए। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस मोर क्लियरली अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन इवेंट्स, यानी कि क्लाइंट के लाइफ में पास्ट में जो भी कुछ बुरा हुआ है उससे और अभी का आपको क्लाइंट को क्लियरली बताना है, ताकि क्लाइंट उन चीज़ों को कोरिलेट करे, रिलेशनशिप बनाए और आपको अच्छे से हेल्दी डिटेल दे, जिससे हम क्लाइंट का अच्छे से डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कर पाए। नेक्स्ट आप देखिए मैनिपुलेशन। देखिए मैनिपुलेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है मैनिपुलेट, यानी कोई ना कोई चेंज करना, यानी हम ऐसा क्या चेंज करें क्लाइंट के लाइफस्टाइल में कि वो जल्दी हील हो जाए। तो देखिए आप यूजिंग पेशेंट्स इमोशंस विशेज टू बेनिफिट पेशेंट इन थेरापेटिक प्रोसेस, यानी थेरापेटिक जो प्रोसेस है वो वही है जो हम क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिंपैथी नहीं दिखानी है क्लाइंट के साथ, क्योंकि क्लाइंट रो रहा है, आप खुद रो रहे हैं, भाई रो मत कोई बात नहीं मेरे साथ भी, अब उसका तो दुख आपने सुनना बंद कर दिया और आपने खुद की स्टोरी चालू कर दी है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको देखना है कि क्लाइंट के इमोशंस कैसे हैं और उन्हीं इमोशंस का, उन्हीं जो हम कह सकते हैं ना क्लाइंट के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उन्हीं का आपको यूज़ करके पेशेंट को ही बेनिफिट देना है। तो ये 3 टेक्निक है। नेक्स्ट आप देखिए रीइन्फोर्समेंट। देखिए रीइन्फोर्समेंट का हिंदी में मीनिंग होता है बलपूर्वक, या जैसे हम जबरदस्ती कहते हैं ना, कि कभी कभी जैसे हमारे भाई बहन हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें पता है ना हमें कैसे मनवाना है उनको, हमको थप्पड़ मार देते हैं या फिर हम ब्लैकमेल भी करते हैं ना कि तू मेरा काम करते हैं मैं तेरे को 5 रुपये दूंगी चलो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जबरदस्ती करते हैं। तो आपको क्लाइंट के साथ भी जबरदस्ती का मतलब ये नहीं कि आप उसको मार पीट रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो देखिए आप यूज़ पॉजिटिव बिहेवियर एंड अवॉइड नेगेटिव अनहेल्दी बिहेवियर, यानी क्लाइंट के साथ आप कुछ अच्छा करेंगे,
मान लीजिए आपने क्लाइंट को एक टास्क दिया, आपने बोला कि अगर आप ये टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे या आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा। जैसे कि हमने साइकोथेरेपी क्लास क्लास में देखा था कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर रीएनफोर्समेंट से डेवलप होता है, तो वही आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आप देखिए सपोर्ट ऑफ डिफेंसिस। देखिए डिफेंस का मतलब क्या होता है, खुद को बचाव करना। तो ऐसे हम कौन से टेक्निक ढूंढेंगे जिससे पेशेंट को सपोर्ट मिले, तो देखिए आप यूज हेल्दी डिफेंस टेक्निक्स डिस्करेज फॉर माल अडेप्टिव अनहेल्दी बिहेवियर। यानी कि हेल्दी टेक्निक्स अपनाएं और जो अनहेल्दी जो माल अडेप्टिड बिहेवियर है यानी जो बुरा बिहेवियर है जिससे पेशेंट कमजोर होता है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जैसे मान लीजिए आपने केस हिस्ट्री की, आपको पता लगा कि ये पेशेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये अनहेल्दी पॉइंट्स हैं। अनहेल्दी यानी वही दूसरों पर ब्लेम करना, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, तो उन चीज़ों को आपको कम करना है और जो पॉजिटिव हेल्दी डिफेंस है वो आपको अपनाना है। नेक्स्ट आप देखिए इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, इट हेल्प्स टू रीगेन सेल्फ। देखिए सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है, आत्मसम्मान आत्मबल, यानी कि पेशेंट का जो हौसला है ना वो आपको बढ़ाना है। अगर आप किसी का हौसला बढ़ाते हैं तो वो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा, वो ट्रस्ट करेगा तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट, जो भी उसके साथ कुछ बुरा हुआ है वो आपके साथ शेयर करना चाहेगा। नेक्स्ट आप देखिए एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल्यूशन, एग्जामिन अल्टरनेटिव वेज टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। देखिए एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब है कि आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम पता चली, आपको सोल्यूशन भी आपने डेवलप किया। अब आपका फर्ज बनता है कि अगर वापस हाथों हाथ अगर ये कंडीशन डेवलप हो तो हम ऐसा क्या सोल्यूशन करेंगे कि प्रॉब्लम इमीडिएटली सोल्व। मान लीजिए डिप्रेशन का क्लाइंट है, उसने बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स करे हैं और अभी एडमिट भी इसी कारण ही हुआ है कि उसने खुद को हार्म कर लिया है। तो अभी आपको पता है कि क्लाइंट कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, तो आपको उसके लिए पहले से तैयार रहना है। आप क्लाइंट को 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि कहीं क्लाइंट को कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं क्लाइंट के आसपास ऐसी कोई चीज़ें हैं, कोई चाकू रखा है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि डिप्रेशन के क्लाइंट के अंदर मेनली सुसाइड जो अटैम्प्ट है वो कॉमन है, यानी वो हर बार कोशिश करेगा खुद को नुकसान पहुँचाने की, खुद को मारने की, क्योंकि वो खुद की लाइफ से परेशान आ चुका है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखिए प्रोसीजर। देखिए अब ये लगभग क्लास हो चुकी है, बस ये लास्ट प्रोसीजर है, तो मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ क्योंकि आई थिंक आप लोग बोर हो रहे होंगे ना, मतलब काफ़ी टाइम हो गया एक ही एक चीज़ को एक ही एक चीज़ को सुन के। बट ये क्या है ना, ये टॉपिक समझाना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आप क्वेश्चन सेक्रेटरी के बहुत ईजी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन। देखिए जो पेशेंट का दुनिया देखने का नज़रिया है, सिचुएशन देखने का, उसके अंदर आपको चेंज करना है, यानी उसको आपको करेक्ट करना है। नीचे एक लाइन कट चुकी है, आप देखिए असिस्ट इन मैनेजिंग फीलिंग्स ऑफ इंटेंस फियर, यानी कि उसके साथ जो बुरी घटना हुई थी उससे रिलेटेड उसके मन में जो भी फियर है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आप उसके फियर को कम करें। नेक्स्ट आप देखिए, देखिए इसके अंदर है प्रोसीजर के अंदर दो ही बातें हैं, एक तो आपको कॉग्निशन ठीक करना है यानी उसका जो दुनिया देखने का नजरिया है सिचुएशन देखने का उसको करेक्ट करना है। दूसरा अगर क्लाइंट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पेशेंट को उस चीज़ से बाहर निकालें। तो पहले आप देखिए असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। देखिए नर्स का काम ही असेसमेंट करना होता है, जब भी हम ड्यूटी करते हैं वार्ड्स के अंदर या हम कोई भी केस स्टडी करते हैं मेडिकल सर्जिकल में, हम जब मैनेजमेंट लिखते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है, असेसमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना। तो आपको यहाँ पे क्या क्या असेस करना है, देखिए आप आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग इवेंट, आइडेंटिफाई कॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। यानी वही बात है, क्लाइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, बात को घुमाना नहीं है, और आपको कारण पता करना है कि क्यों क्लाइंट दुखी है, क्यों उसको टेंशन है, और उन लोगों का भी पता करना है जो क्लाइंट के उस इवेंट में शामिल थे। नेक्स्ट आप देखिए आइडेंटिफाई पेशेंट सपोर्ट सिस्टम। देखिए क्लाइंट का सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है, कौन उसके फ्रेंड है, और कौन वो लोग हैं जो ज़रूरत पड़ने पर काम आते हैं, और कौन वो टाइम पास लोग हैं जो उसको मुसीबत में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन। देखिए स्ट्रेंथ और लिमिटेशन का मतलब है कि क्लाइंट कितना ताकतवर है, ताकतवर मतलब फिजिकली नहीं यानी मेंटली, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको पावरफुल बनाती हैं और ऐसी कौन सी लिमिटेशंस हैं जो उसको रोकती हैं, जिसे हम कह सकते हैं ना कि कोई आपसे पूछे कि आपकी ताकत क्या है या आपकी कमजोरी क्या है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो आपकी ताकत है वही आपकी कमजोरी, आपके पेरेंट्स आपके घर वाले आपकी ताकत है। वहीं अगर कोई उनको कह दे कि मैं इनको मार दूँ तो बचा, तू इनको बचाने के लिए क्या करेगा, तो वो फिर आपकी कमजोरी बन जाती है। तो ये चीज़ें आप असेसमेंट में ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप देखिए डिफाइनिंग इवेंट। क्लाइंट को आप असेस कर चुके हैं, अब आपको इवेंट को डिफाइन करना है, यानी आइडेंटिफाई डिनाइल पार्ट एंड टॉक टू क्लाइंट। देखिए कोई भी सिचुएशन के बाद जब हम डिनाइल कर सकते हैं तो
तो जो क्लाइंट है वो तो ऑलरेडी मेंटल टेंशन में है, तो वो उस चीज़ को डिनाई करेगा कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिनाइल पार्ट को कैसे कम करें, कैसे आप क्लाइंट से बात करें, कैसे आप डील करें कि वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करें। नेक्स्ट आप देखिए रिव्यू डिटेल्स ऑफ पास्ट 2 to 4 वीक्स। देखिए किसी भी इवेंट का पता लगाने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको बैकअप लेना पड़ेगा ताकि आपको पता लगे कि पिछले 2 से 4 वीक के अंदर ऐसा क्या हुआ कि क्लाइंट जो है क्राइसिस वाली कंडीशन में आ चुका है। नेक्स्ट आप देखिए डेवलप प्लान ऑफ एक्शन। देखिए एसेस कर चुके हैं, इवेंट का आप पता लगा चुके हैं, अब आपको कुछ ऐसा प्लान करना है कि क्लाइंट उस चीज़ से बाहर निकले। तो देखिए आप इट नीड्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट एंड कंसर्न पीपल। जाहिर सी बात है अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हिम्मत आपको करनी है, आगे आपको ही आना होगा। तो क्लाइंट का जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी है, और उसके साथ जो भी लोग हैं उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स, जो भी उसके क्लोज हैं उन लोगों को भी इस प्लान में शामिल होना होगा। नेक्स्ट आप देखिए यूज सिंपल क्लियर सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शंस बिकॉज पेशेंट इज मेंटली अनस्टेबल। क्योंकि देखिए क्लाइंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो आपको उससे सिंपल सीधे क्लियर बात करनी है, आपको उसको स्ट्रांग कहानी या स्टोरी नहीं सुनानी है। आप सिंगल लाइन क्वेश्चंस का यूज करिए, आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, इतनी क्लियर कि आपका पेशेंट समझ सके कि सामने वाला बोल क्या रहा है और समझ के रिप्लाई भी कर सके। नेक्स्ट आप देखिए राइट डाउन इंस्ट्रक्शंस बिकॉज पेशेंट इज अनेबल टू रिटेन इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर क्लाइंट सीवियर है, वैसे तो क्राइसिस के सारे क्लाइंट सीवियर ही होते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सा क्राइसिस है उसको और आपका मेंटल लेवल कितना है। क्लाइंट ऑलरेडी टेंशन में, आप उसको भाषण सुनाए जा रहे हैं तो उसका माइंड इतना एक्टिव नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को ग्रैप कर सके। तो आपको एक पेपर के ऊपर उसको इंस्ट्रक्शंस लिख के देने हैं। जब भी क्लाइंट रिलैक्स होगा या कुछ उस आपकी ऐसी बातें हैं जो उसने नहीं सुनी, तो पेपर को रीड करने के बाद उसको लगेगा कि हाँ, उसको टाइम मिलेगा सोचने का, समझने का। तो ऐसा भी आपको एक जो डेवलप जो प्लान है उसके अंदर आपको ये चीज़ें यूज करनी है। नेक्स्ट आप देखिए असिस्ट विक्टम इन मैनेजिंग इंटेंस फीलिंग। ठीक है, कॉग्निशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आपको मैनेज करना है उसकी फीलिंग्स के साथ। तो देखिए आप हेल्प क्लाइंट टू बी अवेयर ऑफ फीलिंग्स। क्लाइंट की जो भी फीलिंग है ना, आपको उसको उसी से अवेयर करवाना है ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकले। देखिए आप क्लाइंट नीड्स टू नो आइडेंटिफाई ओन फीलिंग्स, यानी क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं इस चीज़ को लेके, अच्छी बुरी जो भी है। यूज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन टेक्निक्स सो द क्लाइंट विल एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स विदाउट फियर। देखिए वही बात है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेटर होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्लाइंट बिना डरे आपको सब कुछ बताए। देखिए जैसे आप इमेजिन कीजिए कि जब आप रो रहे होते हैं, आपको कोई दुख होता है, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, किसी ने आपको सुना दिया, तो कोई भी आदमी अगर आपसे प्यार से बात करेगा ना कि मत रो, चुप हो जा, तो जैसे वो कहेगा ना भाई मत रो, आप उल्टा और ज़्यादा रोएंगे। ऐसा आप खुद के ऊपर फील कीजिए कि कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है। तो वही क्लाइंट की बात है, और फिर थोड़ी देर बाद जब आप चुप हो जाएंगे ना, आपको लगेगा हाँ यार ये इंसान तो मेरा भला ही सोच रहा है, तो आप आगे से बताएंगे कि आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे को ये बोला, मेरे को वो बोला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप देखिए थेरापिस्ट शुड ऑब्जर्व वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर विदाउट एनी इंटरफेरेंस। देखिए वही बात है, थेरापिस्ट को क्लाइंट का वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर, उसका फेशियल एक्सप्रेशन सब ध्यान में रखना है, और जब क्लाइंट आपसे बात कर रहा है तो आपको इंटरफेयर नहीं करना है बीच में। आपने उसको बोला हाँ आप बोलिए, आपको क्या दिक्कत है, तो जैसे क्लाइंट आपको बताएगा तो यूँ नहीं हाँ भाई 2 मिनट रुक जा, मैं 1 मिनट कुछ काम जाके आता हूँ। आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं ना, आपको कंटिन्यू करना है, आपको बीच में उसको लैप्स नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप देखिए हेल्प्स इंडिविजुअल टू अटेन मास्टरी ओवर फीलिंग्स। देखिए आप सारी आप चीज़ें कर चुके हैं, बट मास्टरी का मतलब है कि कैसे क्लाइंट्स को प्री क्राइसिस लेवल के अंदर आप लेके आए, ऐसी आप क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो देखिए आप प्रोवाइड एडुकेट सपोर्ट गाइडेंस एंड नेवर गिव फास्ट रीएश्योरेंस। देखिए वही बात है, क्लाइंट को पूरा सपोर्ट जितना उसको चाहिए दीजिए, उसको गाइड कीजिए, और कभी भी उसको झूठा आश्वासन मत दीजिए कि जब आप यहाँ से ठीक होके चले जाएंगे ना तो सब कुछ पहले जैसा एकदम सही हो जाएगा अगले दिन ही। आपको ऐसा झूठे वादे नहीं करने। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोगों की ड्यूटी लगती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोगों के साथ में ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ पे कॉमेडी सीन हुआ था कि एक पेशेंट बीमार था, तो नॉर्मल जो लेडीज़ या गर्ल्स होती हैं ना, थोड़ी इमोशनल ज़्यादा होती हैं किसी भी सिचुएशंस को लेके, उनके इमोशंस क्या है ना कंट्रोल में नहीं होते, किसी को भी दुख में देखती हैं तो ऑटोमेटिक रोना शुरू कर देती हैं। तो वहाँ पे ये था कि पेशेंट बीमार थी और पेशेंट की मदर थी या सिस्टर थी पता नहीं मुझे, जब वो पास में आई ना तो उसको देख के रोने लग गई। जाहिर सी बात है अगर कोई प्रॉब्लम में है आपका, कोई खुद का अपना, तो आपको रोना आएगा। तो जो मेरी फ्रेंड थी, मतलब वहाँ पे वही बात होगी ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और हम लोग भी थोड़े छोटे थे
मतलब सेकंड ईयर में थे ना, तो पता नहीं था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते कैसे हैं। तो एग्जैक्टली उसने जाके उस आंटी को बोला कि आंटी ये वार्ड है, आप यहाँ पे मत रहो, आप बाहर जाके रो लो। तो हम लोगों को बहुत हंसी आई कि तूने ये बोल क्या दिया कि बाहर जाके रो, नहीं तुझे ये बोलना था कि आप रो मत, बट तू कह रही है कि बाहर जाके रो। तो वो तो रोती रोती एकदम से चुप होके हम लोगों की तरफ देखने लग गई कि यार ये लड़कियां बोल क्या रही हैं। तो वो एक बहुत कॉमेडी सीन था। और काफ़ी दिन तक हम हमारी फ्रेंड को उस चीज़ के लिए टीस भी करते थे कि देख तू ऐसा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी, यानी तुझे बोलना तो ये चीज़ था ना कि आंटी रो मत, और तू कह रही नहीं यहाँ तो मत रो पर आप बाहर जाके रो लो। तो देखिए ये चीज़ें हैं, ऐसे आपको क्लाइंट के साथ नहीं करना है कि आप बाहर जाके रो लो, क्योंकि ये ना फिर उसके माइंड पर उल्टा इफेक्ट होता है कि यार ये लोग मेरे फेवर में बोल रहे हैं या ये लोग मेरे ही अगेंस्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नेवर अलाउ क्लाइंट टू ब्लेम अदर्स बिकॉज दिस गिव्स क्लाइंट ए सेंस ऑफ एस्केप फ्रॉम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए क्लाइंट को किसी को ब्लेम नहीं करने देना है। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको उसे कहना है कि आपको ही हिम्मत करके अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेनी है। ये नहीं कि आप जिंदगी भर दूसरों को ब्लेम करेंगे ना, तो आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागते रहेंगे। आप जैसे कि फैमिली का मुखिया है, उसको कुछ हो गया है तो वो ब्लेम करेगा कि ये मेरे बच्चे हैं ना नालायक हैं, किसी काम के ही नहीं, इनको यूँ नहीं कि मेरा बाप बीमार है तो हम कुछ कर लें, ऐसा नहीं। आपको उसको समझाना है कि देखिए जो भी हो क्लाइंट, जो आपकी फैमिली के हेड आप ही हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, आप किसी को ब्लेम ना करें। नेक्स्ट आप देखिए, अवॉइड टू मच डिपेंडेंस ऑन थेरेपिस्ट। यानी कि आपका जो क्लाइंट है, जाहिर सी बात है आप उसके साथ पिछले कुछ दिनों से डील कर रहे हैं, तो आपके ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड हो जाएगा। वो आपसे ही हर चीज़ पूछेगा, वो आपसे इतना इंटरेक्ट हो चुका है कि मैं खाना खा लूँ, मैं खाने में क्या खाऊँ, मैं इतने बजे सो जाऊँ, मैं ये मेडिकेशन ले लूँ, यानी हर चीज़। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि पेशेंट हमारे साथ लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, और अगर रहे वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ फिल्मों में होता है ना कि नर्स है पेशेंट है, ठीक है नर्स पेशेंट की केयर कर रही है तो पेशेंट उससे एडमायर हो गया, फिर दोनों ने आपस में बातें की और उनको लगा ठीक है हम लोग शादी कर लेते हैं। देखिए रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपको क्लाइंट को खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होने देना, आपको खुद को उसको इतना सक्षम बनाना है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। नेक्स्ट आप देखिए, प्रॉपर डिस्कशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन विद विक्टिम एंड कंसर्न अदर्स। आपने जो भी आपने प्लान डेवलप किया है, थेरापिस्ट ने, पेशेंट ने, आपने मिलके, वो आपको क्लाइंट के साथ और क्लाइंट के साथ जितने भी लोग कंसर्न हैं, यानी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपको प्रॉपरली डिस्कस करना है कि एक्चुअली आपने प्लान में क्या इंक्लूड किया है, क्या चीज़ आपने हटाई है, क्या चीज़ आपने ऐड की। नेक्स्ट आप देखिए, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन इंक्लूड्स फिजिकल एंड इंटरपर्सनल एरिया। देखिए कभी कभी हम क्लाइंट का जो इन्वायरमेंट है उसको मैनिपुलेट, यानी उसमें कुछ चेंज लाने होते हैं, तो चेंज फिजिकल भी हो सकते हैं, यानी आप उसके आसपास की सेटिंग को चेंज कर रहे हैं। इंटरपर्सनल एरिया यानी उसके जो रहने की जगह है, वो जिससे भी इंटरेक्ट होता है उन लोगों को भी आपको इंक्लूड करना होता है। मान लीजिए क्लाइंट पहले अपने दोस्तों से मिलता था जिनकी संगत अच्छी नहीं थी, तो वो कोशिश करेगा वो उनसे मिले। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप फैमिली मेम्बर्स को पहले ही आप बताएं कि क्लाइंट को उन लोगों से ना मिलने दें जिनकी वजह से क्लाइंट के लाइफ में ये सब हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, फॉलो अप इज नेसेसरी, मॉडिफाई प्लान एंड रिवाइज इफ रिक्वायर्ड। देखिए कोई भी बीमारी हो फॉलो अप जरूरी होता है। फॉलो अप का मतलब आप समझते हैं, आपको कुछ हुआ, आपने डॉक्टर के पास चेक करवाया, आपने टेबलेट ले ली, नेक्स्ट टाइम डॉक्टर आपको बोलेगा कि जब आप ठीक हो जाएं तब आप एक बार वापस चेक करवाने आए कि मेडिकेशन का कितना इफेक्ट हुआ है आपके ऊपर। बट मोस्टली इंडिया के अंदर लोगों की खासियत है कि 2 दिन दवाई लेंगे, 5 दिन की दवाई है, थोड़ा ठीक लगेगा तो चलो दवाई भी छोड़ दो, और डॉक्टर के पास क्या करना है जाके यार, वो 500 रुपये फालतू फीस मार लेगा हम लोगों से, ये हमारी साइकोलॉजी। इसीलिए इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है कि लोग आधे ठीक होते हैं फिर वो किस्तों में दवाइयाँ लेते रहते हैं, ये बहुत गलत हैबिट है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर पेशेंट का कुछ प्लान के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है, हमको लगता है ये प्लान हमने अप्लाई किया था ये इफेक्टिव है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर हमको लगता है ये प्लान कहीं ना कहीं इफेक्टिव इतना नहीं हुआ है तो हमको प्लान के अंदर चेंज करना होता है। रिवाइज इफ रिक्वायर्ड का मतलब है कि हम उस प्लान को देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं चेंज करेंगे। तो ये आपको याद रखने कुछ पॉइंट्स सिंपल हैं, बस आप स्टेप वाइज याद रखिए। ये लास्ट है आज का, नर्सिस रोल आपको याद रखने हैं। असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीसिपिटेट इवेंट। देखिए असेसमेंट नर्स का सबसे कॉमन रोल है, एक नर्स का काम यही होता है कि वो कंटिन्यू असेस करती रहे। तो जो भी प्रीसिपिटेट इवेंट यानी जो घटना घटित हुई है उसके बारे में कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करना, असेसमेंट करना नर्स का रोल है। नेक्स्ट आप देखिए, पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ इवेंट, यानी कि पेशेंट अपने प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देख रहा है उसका भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट सपोर्ट सिस्टम कोपिंग स्ट्रेटेजी।
यानी पेशेंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी जो स्ट्रेंथ है, नहीं उसकी जो भी ताकत है उसका क्या नेचर है, उसकी स्ट्रेंथ वीक है या उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रोंग है, ऐसे क्या कोपिंग मैकेनिज्म हम कह सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपना के क्लाइंट जल्दी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए एसेस डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी पेशेंट के साथ जो भी घटना हुई उसका उसके ब्रेन पे कितना इफेक्ट हुआ, उसको साइकोलॉजिकल अभी भी स्ट्रेस है या स्ट्रेस कम हुआ, और अगर उसको स्ट्रेस है तो इम्पेयरमेंट का मतलब है कि कितना खतरा है क्लाइंट को उसके ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट आप देखिए एसेस प्रीवियस स्ट्रेंथ एंड कोपिंग मैकेनिजम्स, अगर आपका क्लाइंट ऐसा है कि उसको ऑलरेडी पहले कुछ बुरा हो चुका है उसके साथ, तो आपको पता लगा है कि जब लास्ट टाइम सेम ये चीज़ हुई थी तो कैसे क्लाइंट ने कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ अपनाई जिससे क्लाइंट ठीक हो गया। जैसे डिप्रेशन का क्लाइंट है, पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, तो ऐसे क्या थेरेपीज, क्या ऐसी चीज़ें अप्लाई की कि क्लाइंट हील हो गया। तो देखिए ये क्राइसिस का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको इस क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि क्लास थोड़ी लंबी थी बट आपको समझ आई होगी। तो देखिए अभी तक साइकेट्रिक में हमने जो भी बेसिक पढ़ा ना, ये सारे बेसिक टॉपिक थे, ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी ना, हम डिजिस पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।